हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम टैक्स में डिडक्शंस का चैप्टर। डिडक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, क्योंकि ये असेसी को कुछ बेनिफिट्स देता है जिसकी वजह से उसकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, उसको कम टैक्स देना होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे सिलेबस का, और इसमें काफ़ी सारे डिडक्शंस आएंगे। हम एक एक करके सारे डिडक्शंस को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिडक्शंस, ये जो डिडक्शंस है इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 80C से 80U, इन सेक्शंस के बीच में गिवन है। 80C से 80U सेक्शंस के बीच में काफी सारे डिडक्शंस गिवन है। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, जिसका नाम है 80TTA। ATTTA जो सेक्शन है, ये बेसिकली हमें इंटरेस्ट इनकम्स का डिडक्शन प्रोवाइड करवाता है। डिडक्शन मीन्स वो एग्जेम्पशन जो ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस होता है। ग्रॉस टोटल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं, 5 हेड्स के इनकम का सम होता है, उसके बाद हम डिडक्शंस माइनस करते हैं। जो हमें गवर्नमेंट के द्वारा कुछ बेनिफिट्स, कुछ छूट प्रोवाइड की गई है, उसको डिडक्शंस कहते हैं। ये ग्रॉस टोटल इनकम के बाद माइनस होता है। तो ATTTA में भी कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कुछ डिडक्शंस मिल रहे हैं रिलेटेड टू इंटरेस्ट इनकम। तो सबसे पहले ATTTA हमें इंटरेस्ट इनकम से डिडक्शंस देता है, और ये इंटरेस्ट इनकम कहां से अर्न होनी चाहिए? फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। यानी अगर किसी असेसी को सेविंग बैंक अकाउंट में अगर इंटरेस्ट मिलता है तो वो उसकी इनकम है अंडर दी अदर सोर्सेस। लेकिन ATTTA आपको उसी इंटरेस्ट इनकम के अगेंस्ट डिडक्शंस भी प्रोवाइड करता है। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। अगेन दोबारा शुरू करते हैं इस सेक्शन को, अच्छे से समझेंगे ATTTA। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो ATTTA सेक्शन है, इसमें रिबेट हम किसको देते हैं, डिडक्शंस किसको देते हैं। तो देखिए, ये सेक्शन बेसिकली इंडिविजुअल एंड HUF को बेनिफिट देता है। यानी इस सेक्शन में जो डिडक्शन मिलेगा वो सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को मिलेगा, और ये इंडिविजुअल HUF होने चाहिए, नॉट अ सीनियर सिटीजन। यानी ऐसे इंडिविजुअल जो सीनियर सिटीजन ना हो, क्योंकि अगर वो सीनियर सिटीजन होगा तो सेक्शन ATTTA उस पर अप्लाई नहीं होता, फिर उनको एक डिफरेंट सेक्शन में हम डिडक्शंस प्रोवाइड कराते हैं। तो इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलता है नॉट बीइंग अ सीनियर सिटीजन, ऐसे इंडिविजुअल जिनकी एज 60 ईयर से बिलो हो उनके लिए अप्लाई होता है ये सेक्शन। अब इस सेक्शन में डिडक्शंस कब मिलेगा? जब इंडिविजुअल की इनकम जो हो वो इंटरेस्ट की हो, यानी इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनकम अर्न करता हूं, इंटरेस्ट की इनकम, और ये इंटरेस्ट उसको कहां से मिले? फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट इनकम इंडिविजुअल काफी जगह से अर्न कर सकता है, लेकिन ATTTA में जो डिडक्शन मिलेगा वो सिर्फ सेविंग बैंक पे मिलने वाला इंटरेस्ट का मिलेगा। अब सेविंग बैंक तो हर इंडिविजुअल का होगा, तो सभी को उस सेविंग बैंक पे कुछ इंटरेस्ट भी देती होंगी बैंक्स। तो जो इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट पे मिलता है उसी का डिडक्शन हम ATTTA में क्लेम करते हैं। अब ये जो सेविंग बैंक अकाउंट है ये कहां मेंटेन कर सकता है, ये देखते हैं। तो देखिए, सेविंग बैंक अकाउंट बैंक्स में हो सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बैंक्स होते हैं उसमें हो सकते हैं, और पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग बैंक अकाउंट्स ओपन होते हैं, यहां हो सकते हैं। इन तीन जगह अगर किसी पर्सन ने अपना सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाया है उस पर उसको कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो वो उसकी इनकम मानी जाती है अंडर दी हेड अदर सोर्सेस, और फिर उसी इंटरेस्ट के अगेंस्ट हमें डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन ATTTA। ठीक है, अब इसमें यह देखते हैं कि क्या FD के ऊपर अगर हमें इंटरेस्ट मिलता है तो क्या ATTTA में रिबेट मिलेगा? तो नहीं, FD के इंटरेस्ट के ऊपर ATTTA का रिबेट नहीं मिलता। यानी जो भी FD का इंटरेस्ट है उस पर ATTTA का रिबेट नहीं मिलेगा। RD में अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो भी आपको ATTTA का रिबेट नहीं मिलता।
इसी तरीके से अगर आपने डिबेंचर्स खरीद रखे हैं उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो भी एटी टीटीए का रिबेट आपको नहीं मिलेगा। यानी आपने कहीं से भी इंटरेस्ट अर्न किया हो आपको एटी टीटीए का रिबेट नहीं मिलता। एटी टीटीए का रिबेट सिर्फ और सिर्फ मिलता है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, और ये सेविंग बैंक अकाउंट पे जो इंटरेस्ट है वो उसका आपको रिबेट तो मिल रहा है। और ये अकाउंट मेंटेन कहां होना चाहिए, या तो बैंक्स में, या पोस्ट ऑफिस में, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बैंक्स जो होते हैं उसमें। इन तीन जगह अगर आपने कोई सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाया है और उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप इस सेक्शन के अकॉर्डिंग रिबेट डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी एक कंडीशन है कि इंडिविजुअल जो है वो सीनियर सिटीजन नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि इसमें डिडक्शन मिलेगा कितना, क्या कोई लिमिट है कि भाई मैक्सिमम इतना ही डिडक्शन मिल सकता है, तो उसको डिस्कस करते हैं। एटी टीटीए सेक्शंस कहता है कि आपको डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम 10,000 रुपीज का, 10,000 रुपए का मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है। मींस इसमें डिडक्शन मिलेगा कितना, इसमें जो डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट इनकम और 10,000 रुपीज विच एवर इज लेस। सपोज किसी पर्सन ने सेविंग बैंक अकाउंट में कुछ पैसा डिपॉजिट करवा रखा है और उसको पूरे साल में 8,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता है, तो सेक्शन 80 टीटीए के अकॉर्डिंग उसको रिबेट मिलेगा 8,000 रुपीज, क्योंकि 8,000 और 10,000 में जो कम है वो है 8,000 रुपीज। सपोज किसी पर्सन को इंटरेस्ट पूरे साल में सेविंग बैंक में मिलता है 12,000 रुपीज, तो 12,000 और 10,000 इनमें जो भी कम होगा 10,000, तो उसको जो डिडक्शन मिलेगा वो 10,000 रुपीज का ही मिलेगा। अब बात करते हैं कि जो ये सेविंग बैंक में इंटरेस्ट मिल रहा है किसी एक अकाउंट का होना चाहिए या फिर तीन चार अकाउंट है सबका सम होना चाहिए। तो देखिए एक पर्सन का, दो अकाउंट, तीन अकाउंट, चार अकाउंट, कितने भी सेविंग अकाउंट हो सकते हैं, हमें उनके सारे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट टोटल करना है कि पूरे साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिला है अलग अलग सेविंग अकाउंट से। सबका सम करने के बाद हमें पता चल जाएगा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, ये जो इनकम उसकी आई एनुअल इनकम, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाता है। तो आप वहां पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लिख दोगे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट सपोज 12,000 रुपीज, तो आपने वहां ऐड कर दिया। अब वो जो फिगर आपने लिखा वो ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड होकर आएगा, क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम में पांचों हेड का सम आता है। आपने ये 12,000 अदर सोर्सेस हेड में लिखा है तो वो ग्रॉस टोटल इनकम में जुड़ जाएगा। उसके बाद सेक्शन 80 टीटीए में आपको उसका रिबेट, उसका डिडक्शन मिलेगा, और वो डिडक्शन कितना मिलेगा 10,000 रुपीज। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम डिडक्शन 10,000 रुपीज का ही प्रोवाइड हो सकता है इस डिडक्शन के अंदर। तो आपको देखना होगा कितना इंटरेस्ट मिला पूरे साल में सभी सेविंग अकाउंट का ऐड करके, और फिर 10,000 रुपीज से उसको कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो भी फिगर कम आएगी उतने का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सपोज अभी यहां पे मुझे मिला होता 8,000 का इंटरेस्ट, तो मैं 8,000 और 10,000 को कंपेयर करता और इन दोनों से जो कम होता यानी 8,000 रुपीज, इतना ही मुझे 80 टीटीए सेक्शन में रिबेट डिडक्शन मिल जाता। तो ध्यान दीजिए कि हमें 80 टीटीए का डिडक्शन ऑलवेज इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट पे मिलता है, और ये सेविंग बैंक अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस में मेंटेन कर सकते हैं, बैंक्स में मेंटेन कर सकते हैं, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मेंटेन कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बैंक्स में मेंटेन कर सकते हैं। एफडी के इंटरेस्ट का डिडक्शन इसमें नहीं मिलता, आरडी के इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता, डिबेंचर इंटरेस्ट पे नहीं मिलता, या फिर आपने कहीं दूसरे डिपॉजिट्स कर रखे उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो भी आपको नहीं मिलेगा। ये मिलता है सिर्फ सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे, और असेसी होने चाहिए इंडिविजुअल और एचयूएफ, और उसमें भी बिलो 60 ईयर, क्योंकि सीनियर सिटीजन के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता, सीनियर सिटीजन के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। तो आज हमने इसको पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। सेक्शन 80 टीटीए इंटरेस्ट इनकम से डिडक्शन दिलवाता है, इंडिविजुअल्स को दिलवाता है, बिलो 60 ईयर्स को दिलवाता है, और मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है इसमें 10,000 रुपीज। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। बहुत ही छोटा सा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी टॉपिक है, डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला टॉपिक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।